नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक दिन पहले सतना जिले में दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हत्या में मृतक युवती के पिता का कहना है कि कॉलेज संचालक द्वारा ये हत्या की गई है। मृतक युवती के पिता ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बीते दिन जिस तरह से चित्रकूट इलाके में युवक और युवती की गाड़ी का पीछा कर गोली मारकर हत्या की गई थी, अब इसमें लड़की के पिता ने कॉलेज संचालक पुष्पराज सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। युवती के पिता का कहना है कि पुष्पराज सिंह उनकी मृतक बेटी से एक तरफा मोहब्बत करता था। बेटी कुछ दिनों तक पुष्पराज सिंह के कॉलेज में शिक्षिका थी, लेकिन पुष्पराज सिंह से परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी। पिता का यह भी आरोप है कि महिला थाने में इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कार्यवाही न होने से पुष्पराज सिंह के हौसले बढ़े हुए थे। पिता को शक है कि नाराज कॉलेज संचालक ने गोली मारकर उनकी बेटी की हत्या की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि घटना की मुख्य वजह क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।